तैयारी हो चुकी है, हम ऑल सेट, बैग वैग हो गया ये पैक, अभी बस बाइक पे माउंट करना है इसको, ग्लव्स रख लिए, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का सामान है, पेपर्स हो गए अपने, हेलमेट हो गया एंड दैट्स इट। सेट है सब, अभी बस निकल लेता, रिफ्यूल करना और नेविगेशन के लिए। फोन अंदर रह गया यार, ओके देखता हूँ। चलो जी, पानी की बॉटल ले ली, अभी हाइड्रा पैक यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बॉटल रखनी पड़ती है मेरे को। हाइड्रा पैक देखूँगा इन फ्यूचर कभी। चलो जी, करते हैं सिटी एग्जिट। वाहे गुरु साहब को सच्चे पातशाह दी। बाईपास पे पहुंच चुका हूँ, दो रास्ते निकलते हैं, सीधा भी जा सकता हूँ, लेफ्ट लेके मेरे को जाना है तलवाड़ा साइड से, इस साइड से भी जा सकता हूँ चिंतपुर्नी जाके, मतलब चौहाल वाया चौहाल चिंतपुर्नी पहुँचोगे और देन उसके आगे। इस रास्ते का मेरे को पापा ने रेकमेंड करा था कि इसी रास्ते से जाना, क्योंकि एक तो तलवाड़ा जब पहुँचेंगे, जो डैम है काफ़ी बड़ा डैम है वो, तो क्या उसको कुछ और किसी और नाम से भी बोलते हैं, एक तो तलवाड़ा डैम बोलते हैं, एक पता नहीं कितने गेट्स हैं उसके, तो वो नंबर ऑफ गेट्स उसको बुलाया जाता है, 21 गेट पता नहीं कितने हैं उसके, तो उसी डैम के ऊपर से हम लोग शायद से निकलेंगे। अभी फ़िलहाल सिटी तो एग्ज़िट कर लिया हमने। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हरियाणा, ये स्टेट वाला हरियाणा नहीं है। तो भाई मज़े से चल रहा है, देखा सही पागल है यार। हाँ, तो ये स्टेट वाला हरियाणा नहीं है, ठीक है, ये टाउन है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। गन्ने का जूस ना कई जगह दिख रहा है मेरे को, वो मैंने सोचा रुक के एक बार पी लेते हैं। बनाओ इसका, है ताजा ही है। तो अभी रुका था मैं गन्ने का जूस पीने के लिए, कई जगह मेरे को दिख गया, मेरा मन कर गया यार। ये बना रहे बच्चे, भाई साहब इस टाइम पे धूप है ना, जो आप सोच नहीं सकते हो, भाई साहब पूरी चुभ रही है धूप, इतनी तेज़ है। मैं फुल गेयर्स में हूँ, जैकेट में स्टिल मेरे को वेंट्स की वजह से ना, मैंने वेंट खोल दिए सारे, तो वेंट्स की वजह से मेरे को प्रॉपर हवा आ रही है अंदर, तो थोड़ा बहुत मैं स्वेट कर रहा हूँ और वो भी हवा की वजह से मेरे को ठंडा लग रहा है अंदर। यार जब जब कभी गाड़ी में होता था ना मैं, मैं क्या करता था कि मैं पूरा प्रॉपर विंडोज़ चढ़ा देता था, एग्जॉस्ट जो भी मतलब सॉरी वेंटिलेशन बंद कर देता था, क्योंकि यहाँ पे शुगर मिल है। शुगर मिल की वजह से ना जितनी भी इतनी गंदी स्मेल आती है ना, यार मैं क्या ही बताऊँ, इतनी गंदी स्मेल आती है ना शुगर मिल के आसपास। ओ भाई शुक्र करा मैंने ख़त्म हुआ ये, गाड़ी में बंद कर लेते थे तो पता नहीं चलता था, अभी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि शुगर मिल आने वाली है, और जैसे ही मैं पास में पहुंचा हूँ ना भाई साहब, इतनी गंदी स्मेल है ना, कोई भी अगर शुगर मिल के आसपास से निकला है ना तो उसको पक्का पता होगा कि क्या हालत होती है। थोड़ी थोड़ी देर में ना ये चेक कर लेना चाहिए कैमरा लेंस,
ठीक है, अभी जैसे कि मेरा हेलमेट के वाइज़र के ऊपर ना कुछ लग गया है तो विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है। आगे जाके रोकूंगा, एक बार क्लीन करूंगा इसको। ऑल राइट गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं दसुआ। यहां से हम जाएंगे तलवाड़ा वाली साइड। तो सर्विस लेने ले लेते हैं। गाड़ी में कई बार होता हूँ तो ऊपर से यहीं से यही वाली रोड है, कट है, तो उधर फालतू में जाना पड़ता है कई बार। यार सिंगल लेन पे ना ये दिक्कत आती है, एक आध ट्रक भी आ जाए ना ना, तो कई बार साला इतना ढीट होता है ना, निकलने नहीं देता। और ये वैसा ही है, दो बार ट्राई करा मैंने, साला निकलने नहीं दे रहा। ये स्मेल यार, ओए होए होए होए, जब गांव में रहते थे ना तब ये वाली स्मेल, मतलब यार फ्रेगरेंस क्या चीज़ है ना, जैसे ही आप स्मेल करते हो ना तो आपको मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है। यहाँ पे अभी राइट लिया है मैंने, इसी रोड से जैसे टी पॉइंट आपको मिलता है ना, तो वहीं से राइट वाली साइड अगर जाओगे तो तलवाड़ा है, ये देखो हाजीपुर तलवाड़ा, और वहीं से अगर लेफ्ट लोगे तो आप मुकेरिया वाली साइड पहुंच जाओगे। जसूर पोंग डैम तलवाड़ा नगर पंचायत। ओके, लो जी तलवाड़ा पहुंच गए हम लोग। सामने आ गया डैम, 360 ऑन करना था इसकी। पता नहीं यार, मैंने या तो पहले फॉर्मेट नहीं करा, क्या हुआ, स्टोरेज इसकी बहुत जल्दी फुल हो गई। अच्छा, मुझे लगा ये डैम है तो खाली है। अच्छा, डैम आगे होगा फिर। अभी तक जितनी रोड थी ना बिल्कुल सही थी, बस वो छोटे से पैचेस मिले थे हाजीपुर रोड पे, और अब ये शुरू हो गया काम। यार बंदे को ना कभी थकावट नहीं होती, ना बाइक चलाने में ना गाड़ी चलाने में, ये चीज़ है या फिर दूसरी चीज़ ट्रैफिक, वहीं पे थकता है बंदा। मैं होशियारपुर तो सर धर्मशाला, तो यहाँ पे गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर और कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो ये सब चीज़ें नोट करवानी पड़ती है वहाँ पे। ओ भाई, डैम के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। ओ हो, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है यार। वो बीच में देखो आइलैंड सा लग रहा है ना बीच में, वो बहुत तगड़ा व्यू है भाई। मेरे ख्याल से हिमाचल शुरू हो जाता है यहीं से। करा पापा ने इधर से रेकमेंड करा था मेरे को, अच्छा गया। अब व्यू बहुत तगड़ा मिल रहा है यार इधर से। वो चिंतपुर्णी वाला रोड जो है वो काफ़ी बार ले चुका हूँ, चिंतपुर्णी भी काफ़ी बार आना जाना हो चुका, तो वो रोड सेम हो जाता और यहाँ से सही लग रहा है।
अब साला ओवरटेक करना मुश्किल हो जाएगा इसको यार। व्यू बड़ा तगड़ा है यार यहाँ से, पता नहीं कैमरा कितना ही कैप्चर कर पाएगा। एक बात बताऊं, नॉर्मल बाइक चलाना बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जब लगेज होता है ना तुम्हारे साथ, जब टेल बैग माउंट करके रखा होता है या फिर पैनियर्स हैं, सैडल बैग्स हैं, उनके साथ राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि पहली चीज़ तो वेट मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, ठीक है। तुम्हें वेट बहुत ध्यान से, बहुत तरीके के साथ माउंट करना पड़ता है, डालना पड़ता है दोनों बैग्स में। लेफ़्ट साइड ज़्यादा ना हो वेट, राइट साइड ज़्यादा ना हो, क्योंकि राइट साइड में एग्जॉस्ट होता है, तो उसके हिसाब से भी वेट थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो इतना इजी नहीं होता है लगेज माउंट करके राइड करना, ये चीज़ आज समझ आ रही है मेरे को। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं लगेज माउंट करके टेल बैग के साथ, टेल कम सैडल बोल सकते हैं इसको, और अब पता चल रहा है कि लगेज के साथ चलाना बाइक कैसा होता है। ओ तेरी। हाँ जी, ये सबसे बढ़िया लाइफ है। चाय मिल जाएगी। नहीं नहीं पानी तो है, पानी है पर। तो अभी रुका हूँ चाय पीने के लिए। टी शर्ट का ना अभी जैकेट उतार दिया मैंने, टी शर्ट का बहुत बुरा हाल हो रखा, पूरी गीली हुई पड़ी है। होगा अब नहीं रुकना कहीं भी, पानी के लिए ज़रूरत पड़ी तो रुक लेंगे। बैठे हुए हैं जो कोई टेंशन है यहाँ पे। अल्लाह क्या बंदा करेगा यार गूगल मैप्स पे, कहाँ से कोई गांव पता नहीं कौन से इसने घुमा दिए मेरे को, गलियों में से लेके जा रहा है। साले धर्मशाला जाना है भाई, कहाँ लेके जा रहा है तू। यहाँ से लेफ्ट, ओ भाई साहब वो देखो सामने, ओए होए होए होए, यही वाले पहाड़ होते ना, वो बर्फ वाले दिख रहे हैं सामने यार। ओए फैन खुद तो ऊपर टिक कर लो भाई, ये बुरा हाल कर देगा नहीं तो। ओए
भाई साहब ये कहाँ आ गया। ओ भाई साहब वाह, ओए कहाँ पहुंच गया मैं भाई साहब, ये क्या देख लिया। ओ शिट मैन, यार इतनी खराब रोड के बाद ये व्यू ना, कोई दिक्कत नहीं है, रोड चाहे आगे भी खराब हो जाए वो व्यू ऐसा रहे। ओए होए 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 होए, हाँ बढ़िया बढ़िया। कहाँ से? मैं होशियारपुर से। होशियारपुर से? होशियारपुर से। हाँ हाँ, जा रहे कहाँ? धर्मशाला। हाँ सामने ही है। अब यूट्यूब चलाते? हाँ उसी। ऑन किए? हाँ चल रहा है। चैनल है विराट सिद्धू व्लॉग्स। विराट सिद्धू व्लॉग्स डाल दूँ वीडियो? ठीक। अच्छा बड़े खराब हो गए ना। हाँ आगे दो तीन मोड़ से ना आपको ना ठीक मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से पूछ लेना ना, बस थोड़ा ही है खराब ना, थोड़े खराब है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं। बच्चे यार लैंडस्लाइड्स और वो सब से ना, लैंडस्लाइड ना हो उसकी वजह से नेट लगा रहे हैं लोहे का, ये देखो आके ऊपर भी लगा हुआ है। पहाड़ों में है तो यार मुश्किल है, लाइफ टफ तो है। बर्फ पड़ी हुई है यार, ये देखने में नजदीक लग रहा है तो दूर। डलहौजी 100 किलोमीटर है यहाँ से और मनाली 200 एंड कितना था पता नहीं। मैं कई बार खुद से ही बात करते हैं ना कि ये चीज़ होनी चाहिए राइड पे जाने से पहले, मैं ये मॉडिफिकेशंस करवाऊंगा, किसी और की वीडियो देख के हम मॉडिफिकेशंस के बारे में सोचने लग जाते हैं, करवाना शुरू कर देते हैं। बट जब तक बंदा खुद एक लंबी राइड नहीं करता ना, तब तक उसको समझ नहीं आता है कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस उसको एक्चुअल में चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान अलग है, हर इंसान का कंफर्ट जोन अलग है। ठीक है, मैं भी पहले वीडियोस देखता था जब कोई दूसरा ये मॉडिफिकेशंस उसने करवाई वो करवाई, मुझे भी करवानी है, मे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं राइड पे निकला हूँ, ठीक है, मेरे को और किसी चीज़ की मेरे को दिक्कत नहीं लगी सिवाय सीट के। ठीक है, मेरे को सीट पे कुशनिंग चाहिए और देखता हूँ या तो एयर सीट देखूँगा एक, या फिर एक कुशन देखूँगा इसके लिए, और इससे ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल है। ठीक है, लाइट्स और ये बेसिक वाली चीज़ें ये तो करवानी थी। चलो
भाई साहब ठंड लगनी शुरू हो गई है, वाइजर खुला हुआ है, आगे व्यू देखो। बहुत लेट हो गया पहुंचते पहुंचते। पहाड़ी एरिया तो अभी आया, पहले तो इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब इतना क्या, कुछ भी नहीं था पहले। ओके, तो हम लोग हैं मॉल रोड, मैक्लोडगंज मॉल रोड पे, और स्टे करने के लिए होटल्स देख रहा था, बट सब ऑक्यूपाइड है रश के हिसाब से। अभी तो कम हो गया, जिस टाइम मैं पहुंचा था ना उस टाइम हालत देखने वाली थी कि एग्जैक्टली क्या था। तो थकावट लिटरली बहुत हो चुकी है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यू गाइस टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन टेक केयर।